types of vaccination as we know that the vaccination or immunization is a process by which there is a specific protection provided against the common pathogens so uncommon common pathogens against protection using the compounds or molecules or you can say that certain substances those are called as vaccines so how many kinds of the vaccines there would be there so there are uh, different variety, you can say there are two modes of providing specific protection against many common and pathogen, uh, common and damaging pathogens. It depends upon okay, how we have just to combat those common and damaging pathogens. So there are particularly these modes of immunization can be natural or artificial in their nature. नेचुरल का मतलब है कि कुदरती तौर पर इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिवेटेड और आर्टिफिशली डेट वी हैव जस्ट टू इंड्यूस मीन्स इन बोथ केस द इम्यून सिस्टम इज़ गोइंग टू इंड्यूस क्योंकि इम्यून सिस्टम की इंडक्शन होगी स्टिमुलेशन होगी तो इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन तो एक प्रोडक्शन जो है एक इंडक्शन और स्टिमुलेशन नेचुरल तरीके से हो रही है और एक बाय आर्टिफिशियल वेज so how many ways of immunization are being there there are two basic uh, ways by which the immunization or vaccination process occur the first one is active immunization and the second one is passive immunization now these two are different according to their nature that how they have just to perform their action सो द एक्टिव इम्युनाइजेशन एज अ नेम सजेस्ट दैट इट इज़ एक्टिव फॉर्म मीन्स इज़ दी इंडक्शन ऑफ द इम्यूनिटी आफ्टर एक्सपोजर टू द एंटीजन के मीन्स के जो इम्यून सिस्टम की इंडक्शन है वो ऐसे की जाए कि इसको एक्सपोज करवा दिया जाए बाई एंटीजन अगर तो क्योंकि एंटीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है सो so, एक्टिवली उसको एक्टिवेट कर सकती है डैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली इम्यून इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है दैट हैज एबिलिटी फॉर एक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन नाउ द एंटीजेनिक एक्सपोजर इज मैंडेटरी फॉर सच काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन मीन्स विदाउट एंटीजेनिक एक्सपोजर वी कॉन्ट से डैट एक्टिव इम्यूनाइजेशन वी कैन अचीव सो एंटीजैनिक एक्सपोजर इट इज मैंडेटरी दी एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन अकर नेचुरली और बाय एक्सपोजिंग टू माइक्रोब और अदर इंटीजें के मीन्स मैंने आपको जैसे बताया कि दो तरीके हो सकते हैं इम्यूनिटी को इंडक्शन करने के इम्यून सिस्टम ने इंड्यूस होना है एक्टिवली इंड्यूस होना है मीन्स एक्टिवली का मतलब है कि उसने एंटीजन से एक्सपोज होने के बाद जो एक्टिवेट होना है नाउ एंटीजन से वो कैसे एक्टिवेट हो सकता है वो भी दो तरीके हैं एक तो नेचुरली कि नेचुरली कुदरती तौर पर वो एक्सपोज हो जाए उन एंटीजन से उन ऑर्गेनिज्म से और दूसरा आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली मींस डेट इफ़ वही Do it by ourselves by using the uh, manufactured form of antigens, or you can say that different uh, variety of the pathogens. Okay, so natural or artificial, these are two ways by which the active immunity can be activated. Now, there it is also being important regarding active immunization that there would be no prior exposure before the entry of the antigen. Okay, means. A, इससे पहले उसका कोई एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ उस एंटीजन से क्योंकि अगर उससे पहले एक्सपोजर हो चुका है तो डैट मीन्स डैट इम्यून सिस्टम वुड डेफिनेटली बी एक्टिवेटेड बिफोर बट इन दिस केस डैट मीन दैट देयर शुड नॉट बी प्रायर एक्सपोजर टू द एंटीजन फॉर एग्जांपल इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द केस इन केस ऑफ इन्फेंट्स जो uh, नोजायदा बच्चे हैं जिनमें एंटीजन एक्सपोजर एज कंपेरिजन टू अडल्ट इट इज लेस तो डैट्स वाई उनका कोई प्रायर एक्सपोजर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन ऑर्डर टू एक्सपोज टू एंटीजन दैट्स वाई वेन एवर दे आर गोइंग टू एक्सपोज टू द एंटीजन फर्स्ट टाइम दे विल डेवलप द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सच काइंड ऑफ एंटीजन और पैथोजन सो देअर वुड बी नो प्री मेड एंटीबॉडीज इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि उन एंटीजेंस के अगेंस्ट ऑलरेडी फॉर्मड एंटीबॉडीज नहीं होंगी क्यों नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी उनका कोई एक्सपोजर नहीं है विद सच काइंड ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन तो अगर एक्सपोजर नहीं है तो एंटीबॉडीज कैसे आ सकती हैं क्योंकि एंटीबॉडीज तो आनी ही तब हैं जब वो एंटीजन से एक्सपोज होगा इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एंटीबॉडीज फॉर्म होगी अगर वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हैं तो डैट मीन्स एंटीबॉडी शुड भी देयर बट इन दिस केस इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन दैट मीन्स डैट द

प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए सो दोज़ एंटीबॉडीज़ विल प्रोड्यूस इट वुड बी अ स्लो प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडीज़ जनरेशन स्लोली दे आर जस्ट गोइंग टू डेवलप सो उसके नतीजे में देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इज़ द मेमरी रिस्पॉन्स कि मेमरी रिस्पॉन्स आ जाएगा और एंटीबॉडीज़ रिमेंड इन द ब्लड और रिमेंड इन द बॉडी फॉर द लॉन्गर टाइम कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई एक्सपोजर uh, होता है उस एंटीजन या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस पैथोजन के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज़ ऑलवेज शुड बी देयर तो उनके मेमरी हो और वो मेमरी जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पैथोजन सो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन इट कैन बी अचीव्ड वेन वी आर जस्ट गोइंग टू इंजेक्ट द माइक्रोब और बिफोर द नेचुरल एक्सपोजर के मीन्स अभी नेचुरल एक्सपोजर नहीं हुआ और नेचुरल एक्सपोजर से पहले ही अगर हम बॉडी में उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दें तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन

प्रोडक्शन और एंटीबॉडीज की एंट्री डायरेक्टली बाय दिस प्रोसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन सो पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन अकर नेचुरली बाय द ट्रांसफर ऑफ दी मेटरनल एंटीबॉडीज़ के जो एंटीबॉडीज़ हैं मदर से फीटस में जाएंगी सो दैट वुड बी कॉल्ड एज दी नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन ऑन दी अदर हैंड इट कैन भी आर्टिफिशियल इंडक्शन डेट बाई इंजेक्टिंग दी गैम्लोबलिन जो कि इम्यूनोगोग्लोबलिन हैं एंटीबॉडीज़ हैं जो कि दूसरे इंडिविजुअल से जो ऑलरेडी एक्सपोज है टू दोज एंटीजेंस उनसे अगर वो एंटीबॉडीज ले के दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट की जाएँ या एनिमल्स जिनको इम्यून किया गया है उस एंटीजन के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी उन एंटीबॉडीज़ को अगर दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर दिया जाए तो डैट वुड बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वे ऑफ पैसिव इम्युनाइजेशन पैसिव मीन के मीन इसमें डायरेक्टली एंटीजन या पैथोजिन इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा बल्कि उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं उसको बॉडी में एंटर किया जा रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करेंगी अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पोटेंशियल पैथोजन सो डेट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्स Active and passive immunization.